हेलो एवरीवन, मेवाड़ ई नर्सिंग यानी मेवाड़ नर्सिंग क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर दो टॉपिक अपने हो चुके हैं, दो क्लासेस अपनी हो चुकी है। पहले इंट्रोडक्शन जो अपन ने पढ़ा था बहुत अच्छे से पीडियाट्रिक नर्सिंग का, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हाइट तक अपन ने यहाँ पे लर्न कर लिया था पार्ट वन के अंदर। और नेक्स्ट अपन यहाँ पे कैरी ऑन करेंगे पार्ट टू। तो पार्ट टू के अंदर अपन पढ़ेंगे या मैं एमयूएससी टैब से अपन शुरुआत करेंगे। तो कुछ झलकियाँ मैं पिछली बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से दिनों में क्लास हो नहीं पाई है, तो उस वजह से कुछ झलकियाँ मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया था ये चीज़ें, हाइट अपन ने पढ़ ली थी, हेड बर्थ पर 50 सेंटीमीटर, 6 महीने पर 65 हो जाती है, 1 साल पर 75 हो जाती है, 2 साल पर 87, 3 साल पर 96, 4 साल पर 103, एक कैसे होती है मैंने अच्छे से आपको लिख के और बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट बताया था, ठीक है। तो देन नेक्स्ट अपन यहाँ पे लेंथ की बात करें, तो लेंथ का भी मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था, वापस से एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट यहाँ पे इस क्लास से ना रहे, ठीक है। तो डाउट हमेशा क्या होता है, बहुत बुरी चीज़ होती है अगर डाउट रह जाता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो पूछना आपका फ़र्ज बनता है, ठीक है, और ये पूछना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो डाउट की मैं अगर बात करूँ, ये CRL क्या होता है, और 38 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल CRL, ठीक है, और CHL क्या होता है, 50 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल। तो CRL और CHL का मतलब क्या होता है, ये आपका क्या है, रसगुल्ला है, ठीक है, और ये रसगुल्ले का पैर है, ये हाथ है, ठीक है। तो क्राउन टू रंब लेंथ पहले, दूसरी होती है क्राउन टू हील। अब क्राउन का मतलब ये वाला, हील का मतलब ये पैर वाला, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो होगी आपके 50 सेंटीमीटर। क्या होगी, 50 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना है, अपन को क्राउन टू रंब लेंथ निकालनी है। रंब का मतलब होता है बटक्स, क्या होता है, बटक्स, बटक्स यानी यहाँ तक का हिस्सा ही आएगा। अब यहाँ तक का हिस्सा ऊपर से लेके यहाँ तक अपन अगर अपन काउंट करेंगे वो जाएगा आपका 38 सेंटीमीटर। तो 50 में से आप निकाल दो 38, बच्चे कितने हैं, 12, ठीक है, 12 बच्चे। अब ये जो 12 जो सेंटीमीटर की लेंथ आई है वो आपका आया है लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी का लोअर पोर्शन है, ठीक है। इस प्रकार से ये लेंथ अपन निकाल सकते हैं। तो लोअर बॉडी सेगमेंट CHL माइनस CRL, मतलब 50 में से 38 निकालना है। और अपर बॉडी सेगमेंट और लोअर बॉडी सेगमेंट का रेशियो भी मैंने आपको बता दिया, 8 बर्थ पर कितना होता है प्यारे दोस्तों, तो 8 बर्थ पर जो है अपर बॉडी और लोअर बॉडी का जो सेगमेंट का जो रेशियो है 1.7:1, और 3 साल पे होता है 1.3:1, और 10 साल पे होता है आपका 1:1। सिंपल सी बात है, सिंपल सा पढ़ना है। इक्वल कब होता है, तो 10 ईयर पे, 10 ईयर पे अपन क्या मान सकते हैं, इक्वल, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस है सारे के सारे। नेक्स्ट आज अपन बात करेंगे कि अगर लेंथ जो है वो बढ़ जाती है नॉर्मल से भी ज़्यादा, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, गिगांटिज्म, क्या बोल सकते हैं, दैत्याकार, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं दैत्य आकार, मतलब राक्षस जैसा आकार है इसका, ठीक है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, दैत्याकार। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके आने लायक है एग्जाम में। ड्वार्फिज्म किसे बोलते हैं, लेंथ अगर शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बहुत सी बार मार्केट में, बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं, तो शॉर्ट स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल सकते हैं, ड्वार्फिज्म। ये आने लायक क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आपको हर एक चीज़ को क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है एमयूएससी टैब के क्राइटेरिया है कुछ अलग अलग है, तो मैं आपको वन बाय वन करके अगर एमयूएससी टैब की मैं अगर बात करूं, तो एमयूएससी, एम का मतलब होता है मिड, यू का मतलब होता है अपर, ए का मतलब होता है आर्म, और सी का मतलब होता है सरकमफेरेंस, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। तो इसके लिए जो टैब यूज की जाती है उसका नाम है शाकिर टैब। क्या है, शाकिर टैब। तो कुछ शाकिर टैब इस प्रकार से होती है, आप सभी ने देखा होगा, तो ये है शाकिर टैब, और इसके कुछ पैरामीटर है। तो पैरामीटर क्या क्या है, इसकी स्केल जो होती है उसके अंदर 3 कलर कोड आते हैं। कितने कलर कोड आते हैं, 3। तो पहला जो कलर कोड होगा वो होगा आपका रेड कलर, कौन सा होगा, रेड कलर, ठीक है, रेड कलर। दूसरा होगा आपका यहाँ पे कौन सा होगा, येल्लो कलर। तीसरा होगा ग्रीन कलर,
ठीक है, रेड कलर के अंदर जो आएगा वो 11 मतलब 11.5 से भी कम का पैरामीटर, 11.5 से भी कम का पैरामीटर, इतना सेंटीमीटर अगर आपका मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है तो वो रेड कलर के अंदर या रेड जोन में चला जाएगा। और वाई के अंदर जो आएगा यानी येल्लो, येल्लो के अंदर कौन सा आएगा तो 11.5 से लेकर 13.5, ये जो पैरामीटर आएगा आपके सभी के सामने ये किसके अंदर चला जाएगा, येल्लो में, ठीक है। और ग्रीन के अंदर जो है 13.5 सेंटीमीटर से अबव अगर किसी का मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस आ रहा है उसको अपन लेंगे ग्रीन जोन के अंदर। मतलब ये क्या है, अब ये कौन सा बच्चा है, ये आपका है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। कौन सा है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का मतलब सेम का बच्चा है, 11.5 से कम है, रेड कलर में अगर जा रहा है तो सेम का बच्चा है। और मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन कौन सा है तो मैम का बच्चा, कौन सा है मैम, ठीक है, ये मैम का बच्चा है। कौन सा है, मैम का, 11.5 से लेकर 13.5 सेंटीमीटर। और ये क्या है, 13.5 से लेकर अगर अबव आ रहा है तो नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल पैरामीटर पड़ा है। तो इस प्रकार से शाकिर टाइप से एक क्वेश्चन निकल के आता है, हर एग्जाम में आता है कि मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस चेक करने की टैप का नाम बताओ, शाकिर टैप है, और कौन सा पैरामीटर किससे कोरिलेट करता है, वो सारी चीज़ें आती है, ठीक है। नेक्स्ट यंग एज के अंदर ये चेक किया जाता है, और ये चेक किया जाता है आपके 5 महीने से लेकर 59 मंथ यानी 5 साल के बच्चे के अंदर अंदर ये चेक किया जाता है। मतलब 5 महीने से 5 साल का बच्चा जो होगा उसके अंदर आप पैरामीटर जो मेजर करोगे वो एमयूएसी टेप मेजर की जाती है, ठीक है, मतलब शाकिर टेप से अपन यहाँ पे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर आपको पता ही है, देखो अब ये दिखा है अपन को कि 11.5 से अगर कम है पैरामीटर तो वो रेड जोन में चला जाएगा, और 11.5 से 13.5 के बीच में 12 यहाँ पे क्या चला जाएगा, येलो कलर, और 13 से ऊपर है वो ग्रीन जोन में चला जाएगा। ये टैप मैंने आपको बताई है, बिल्कुल यही टैप है, और यूनिसेफ ने इस टैप का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया था, इसीलिए यहाँ पे यूनिसेफ का टैग भी लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सेम का बच्चा, मैंने अभी बता दिया आपको सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, 11.5 से भी कम है तो वो रेड जोन में चला जाएगा, मैंने रेड कलर में ही लिखा है। नेक्स्ट है मैम का बच्चा यानी मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन है तो उसको अपन ऑरेंज कैटेगरी में या येल्लो कैटेगरी में, देखो इसमें दो कैटेगरी बताऊंगा मैं, ऑरेंज भी बताऊंगा एंड येल्लो, दो अलग अलग कैटेगरी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक फंडा सीधा सा निकलेगा कि डायरेक्ट आपको पूछे कि मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन पूछे आपको, ठीक है, क्या पूछे, मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट होता है तो मॉडरेट पूछे आपको या माइल्ड पूछे, तो माइल्ड कभी माइल्ड पूछते हैं कभी मॉडरेट पूछते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट अगर स्पेशल अटेंशन देकर पूछे आपको तो आपको क्या लिखना है, 11.5 से लेकर 12.5 बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, वो मतलब इसके अंदर चला जाएगा मॉडरेट में, किसमें, और ऑरेंज कलर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट मैम, और मैम के अंदर ही आता है वापस माइल्ड एक्यूट माल न्यूट्रिशन, पहले मॉडरेट था फिर माइल्ड आया, अब माइल्ड में 12.5 से लेकर 13.5 और येल्लो कलर इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ नॉर्मल, नॉर्मल पैरामीटर 13.5 से ज़्यादा और वो ग्रीन जोन में चला जाएगा। आया समझ में यहाँ तक, बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और लिखना ना भूले अपनी नोटबुक में, लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने सामने एक स्केल आती है और बहुत ज़बरदस्त आता है ये पैरामीटर का, मतलब आप क्या समझते हो कि टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं ये अपन ने पढ़ा था, क्वाशरकोर होता है, मरास्मस होता है, मरास्मस क्वाशरकोरिक मरास्मस होता है, ठीक है, तो 3 प्रकार के ये होते हैं। अब उनको अपने पीडियाट्रिक में अपन ने बांटा है कि एक्यूट क्रोनिक और एक्यूट एंड क्रोनिक, ठीक है, वो सारे इसमें आ गए, कहने का मतलब ये है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो इस प्रकार से इन्होंने किया है, तो एक्यूट जो माल न्यूट्रिशन है उसको अपन बोलते हैं वास्टिंग, क्या बोलते हैं वास्टिंग, और क्रोनिक जो है वो बोलते हैं स्टंटिंग, क्या बोल सकते हैं इसको, स्टंटिंग, और एक्यूट एंड क्रोनिक है तो वास्टिंग एंड स्टंटिंग, सीधा सा फंडा है, समझ में आ गया। अब ओनली फॉर वास्टिंग आ रहा है तो वास्टिंग में पहला वर्ड का कौन सा है तो W है, तो W से याद रखना है वास्टिंग, और वास्टिंग से याद रखना है WHO ने दिया है, ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है, वास्टिंग वाला WHO ने दिया है, और W से ही आपको याद रखना है वापस वेट पर जाना, सबसे पहले वेट, ये वेट फॉर हाइट, समझ में आ गया।
www.com, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है W फॉर वास्टिंग, W फॉर WHO, W फॉर वेट, वेट फॉर हाइट। अब हाइट आ गया, अब आपको जाना है सीधा क्रोनिक पर। याद रखने की ट्रिक है, क्रोनिक पर जाना है। क्रोनिक का मतलब स्टंटिंग होता है, और स्टंटिंग से याद रखना वाटर लो ने ये दिया था, और ये इसमें आ जाएगा। ये हाइट जो एंड में आ रहा था ना ऊपर WHO के, वही हाइट को आगे रख दो, और वेट हाइट फॉर एच। याद रखना वेट से अफेक्ट नहीं होती है हाइट, ठीक है। वेट अगर कम हो गया तो हाइट अफेक्ट नहीं होगी, लेकिन हाइट अगर कम है तो वो एज को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो हाइट के साथ में एज जाता है, ठीक है, वेट के साथ में एज चला जाता है, ठीक है, जा सकता है। तो ऐसा है सिस्टम, कहने का मतलब ये है। तो देखो, तो ये हाइट फॉर एज, तो ये क्रोनिक में, अगर क्रोनिक डायरिया है किसी को तो उसकी हाइट ही अफेक्ट होगी, और अगर क्रोनिक डायरिया नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सिंपल सा डायरिया है तो उसका वेट अफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये, और एक्यूट एंड क्रोनिक जो है वो गोमेज ने दिया था, दोनों ही मिला के, और ये वेट फॉर एज है। क्या है? वेट फॉर एज। पहले वेट फॉर हाइट याद करना है, फिर हाइट फॉर एज याद करना है, और वेट फॉर एज। इस प्रकार से तीनों ही आपको याद करना है, क्लासिफिकेशन है, और ये इन क्लासिफिकेशन में से एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है गोमेज। गोमेज का आपको यहाँ पे टिप ऑफ द टंग याद करना है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ओके फाइन, बड़े आगे। चलो, ये डिफाइन है इसका मतलब, एक्यूट वास्टिंग जो है वो WHO से रिलेटेड है। WHO ने इसका क्लासिफिकेशन दिया था, और WHO ने क्या कहा था कि वेट फॉर हाइट से इसका मेजरमेंट किया जाता है। फिर क्रोनिक और स्टंटिंग, क्रोनिक स्टंटिंग है तो उसके अंदर वाटर लो ने ये दिया था, और वाटर लो ने ये बोला था कि हाइट फॉर एज से ही मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और एक्यूट एंड क्रोनिक जो था वो गोमेज ने दिया था, और गोमेज ने बोला कि वेट फॉर एज से ही मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, माल न्यूट्रिशन को, इसके अलावा मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये तीनों के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लिखना एक दो बार समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके सभी के सामने कि डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन, WHO, वाटरलो, गोमेज, ये तीनों का आपको क्लासिफिकेशन याद करना है। अब कैसे याद करना है मैं आपको बताऊँ, तो सिंपल सा आपको एक चीज़, ऊपर वाली चीज़ तो पकड़नी ही है आपको। ऊपर वाली क्या पकड़नी है कि 90, 95, 90, ठीक है। अब ये कैसे याद रखे हैं, तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना डिग्री नंबर वाइज, जैसा कि पहले मैंने WHO बताया था, फिर वाटरलो बताया था, फिर गोमेज बताया था, उसी प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। तो पहले जी यहाँ पे अंतर रखना है आपको 10 का, यहाँ पे 5 का, और 10 और 5 मिला के 15 होते थे, या 15 का अंतर रखना है, ठीक है। तो 90 में से 10 माइनस करोगे तो 80 से 90 के बीच में माइल्ड में चला जाएगा, फिर 10 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, तो 70 से 80 मॉडरेट में चला जाएगा, ठीक है। और फिर 10 माइनस नहीं करना, 70 से कम ही करना है आपको, सीवियर में यही करना है, सीवियर में एंड में जो बचता है ना मॉडरेट में, उसी को, उससे कम करना है अपन को, ठीक है। यहाँ पे फिर आप अगर इसमें देखोगे वाटर लो क्लासिफिकेशन में, तो 90 से 95, यानी 95 से आपको 5 कम किया है तो 90 से 95, फिर वापस 5 कम किया तो 85 आ गया, और 85 से कम तो सीवियर में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गोमेज का क्लासिफिकेशन। गोमेज ने क्या कहा था कि 90 से कम, ऊपर ली एक रीडिंग तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है, 90 वाली, 90 और 95, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है तो 95 आ गया, ठीक है। 15 है तो 90 कर दिया अपन ने, ये 10 है तो 90 कर दिया, ठीक है। इस कैसे भी याद करो, मतलब करना है, तो 90 में से 15 को माइनस करोगे 75, 75 से 90 तक आता है माइल्ड, और 75 में से फिर 15 माइनस करोगे 60, और 60 से 75 जो होता है वो मॉडरेट होता है, परसेंटेज में है सारे के सारे फंडा, और 60 से कम आ रहा है तो सीवियर है। क्या है? सीवियर। तो यहां तक सभी को समझ में आया? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी से रिगार्डिंग है कि BMI, BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, और सीधा सा फंडा है।
ये आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। और BMI के ऊपर से बहुत बार सवाल बने हुए हैं एग्ज़ाम में, वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। किसी का वेट है मान लो 50 किलो और हाइट क्या है मीटर में, अब मीटर कितना आ रहा है उसका तो मीटर लिखना है आपको और उसका स्क्वायर लगाना है और फिर उसको कैलकुलेट करना है, फिर कितना आता है। जैसा कि किसी की हाइट मान लो, किसी की हाइट है 5 मीटर है, किसी की 4 मीटर है, ठीक है, तो मीटर का स्क्वायर, तो 5 को 5 से करोगे तो 10 25 आ जाएगा, ये 25 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है ये कैलकुलेट, ठीक है। तो अंडरवेयर अब नॉर्मल कितना होता है, ये जो हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये BMI जो है नॉर्मल कितना होता है, 18.5 से लेकर 24.9 जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। अंडरवेट किसको बोलेंगे, 18 से कम है तो अंडरवेट कहलाएगा, ठीक है। ओवरवेट किसको बोलेंगे कि ओवरवेट जो है वो 25 से लेकर आपके 29.9, ठीक है, ये आपका क्या है ओवरवेट है। ओबेज किसको बोलेंगे, ओबेज 30 से ज़्यादा है इसको अपन ओबेज बोलेंगे, ठीक है। ये क्राइटेरिया भी आएगा, ओवरवेट है 25 से लेकर 29.9 और 30 से अबव है या 34.9 से कम है तो ओबेज है, और एक्सट्रीम ओबेज यानी बहुत ज़्यादा मोटा है तो 35 से भी ज़्यादा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा मोटा है वो आदमी, ठीक है। ये वापस है क्राइटेरिया, पहले ये लिख ले आप, लिखना चाहे तो सारी की सारी स्केल्स, सारी की सारी चीज़ें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर से आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलने वाली है और मिल जाएगी। तो यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बॉडी मास इंडेक्स, BMI, अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट, ओबेज और एक्सट्रीम ओबेज, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, अंडरवेट किसको बोलते हैं 18.5 से कम है, नॉर्मल 18.5 से 24.9 है, ओवरवेट जो है वो 25 से लेके 29.9 है, ठीक है, और ओबेज जो है 30 से ज़्यादा 35 से ज़्यादा है तो ओबेज, एक्सट्रीम ओबेज, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, ठीक है, यहीं तक था अपना ग्रोथ, तो ग्रोथ अपना फिनिश हुआ और ग्रोथ के बाद में अब अपन यहाँ पे चलते हैं डेवलपमेंट के ऊपर। तो डेवलपमेंट क्या कहता है अपना आज का, ठीक है। तो डेवलपमेंट के ऊपर से आपको 4 पैरामीटर मिलेंगे और चारों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पर्पज़ ओपीओ से तो चारों ही इम्पोर्टेंट है और चारों ही पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो पहला है ग्रॉस मोटर हेड टू टॉय चलता है ऊपर से नीचे की तरफ, फिर आता है अपने यहाँ पर फाइन मोटर विजन से रिलेटेड है, ठीक है, और फिर आता है लैंग्वेज हियरिंग एंड स्पीच से रिलेटेड है, फिर आता है सोशल माइलस्टोन इमोशनल एंड बिहेवियर से रिलेटेड है। तो वन बाय वन करके एक एक माइलस्टोन अपन यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, तो सारे ही आपको एक साथ ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस मोटर पहला है माइलस्टोन और ये पहला माइलस्टोन है, इसमें अंदर अगर मैं बात करूँ तो जो बच्चा है उसका 3 मंथ की एज में क्या होता है, 3 महीने की एज में हेड एंड नेक होल्डिंग आती है, वो गर्दन को होल्ड करना सीखता है, क्या करना सीखता है, गर्दन को होल्ड करना सीखेगा, मतलब एक जगह टिकाना सीखेगा, ऐसा नहीं लटक रही है, आगे लटक रही है, पीछे लटक रही है, दाएँ लटक रही है, बाएँ लटक रही है, ऐसे ही होता है ना, नन्ना मुन्ना बच्चा जो होता है, नन्ना जो रसगुल्ला होता है वो ऐसे ही करता है, गर्दन अपन पीछे ले जाएंगे तो पीछे बिल्कुल ही पीछे अटका देगा, ठीक है, और ऐसे करेंगे तो ऐसे कर देगा, वो कैसे भी कर सकता है, उसका कोई होल्डिंग नहीं है, मतलब उसको ठहराव नहीं है, मतलब एक जगह वो होल्ड नहीं कर सकता गर्दन को, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 5 मंथ की, तो 5 महीने तक आते आते रोल्स ओवर होने लग जाता है, 4 से 5 महीने का बच्चा रोल्स ओवर, रोल्स ओवर का मतलब होता है कि जैसा कि उसने मान लो सो रहा है सुपाइन पोजीशन में, तो सुपाइन से वह प्रोन हो जाएगा, वो खुद ब खुद होगा, अपन नहीं करेंगे उसको, वो खुद ब खुद प्रोन हो जाएगा, प्रोन से वापस सुपाइन में चला जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं। और ये क्या करेगा बच्चा, किसी सहारे के साथ में वो बैठ भी जाएगा, सहारे के साथ में बैठ भी जाएगा, मतलब किसी का सहारा लेके वो बैठ जाएगा, अपन सहारा दे रहे हैं तो वो बैठ जाएगा, बैठना भी सीख जाता है 5 महीने की उम्र में। और फिर 6 महीने की ये ग्रॉस मोटर है, कुल मिला के ग्रॉस मोटर जो माइलस्टोन है ना वो कैसे आते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये हेड से टॉय की तरफ चलते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, पहले हेड होल्डिंग आई, फिर नेक होल्डिंग आई, फिर यहाँ पे अपर पोर्शन आया, अपर पोर्शन मतलब बैठना सीख गया, अब देखना अब वो हाथों का यूज करेगा, 6 महीने पर ट्राइपॉड पोजिशन बना देगा,
ट्राइपॉड पोजिशन का मतलब होता है कि बैठा तो है और हाथों को आगे टिका रखा है, ठीक है, हाथ को आगे टिका रखा है फिर बैठा है, ठीक है। जैसे वो बैठता है ना, बैठता है लोमड़ी, लोमड़ी जैसे बैठती है वैसे बैठा है वो आगे की तरफ झुक के। नेक्स्ट है सातवें महीने पे क्या होगा, बच्चे के अंदर क्रेवलिंग आएगी। क्रेवलिंग का मतलब रेंगना शुरू करेगा, रेंगने का मतलब समझ रहे हो, पेट के बल रेंगेगा, आगे की तरफ खिसकने की कोशिश करेगा पेट के बल, अपना जो पेट होता है ना उसके बल आगे खिसकेगा, ठीक है, हल्का हल्का आगे खिसकने की कोशिश करेगा। और आठवें महीने पर क्या होगा प्यार दोस्तों, सिट विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सहारे के वह बैठना सीख जाएगा, बिना किसी सहारे, कोई सहारे की उसको ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी, वो बिना सहारे के आराम से बैठ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सामने नाइन मंथ, और नौवें महीने का बच्चा क्या करेगा, क्रिपिंग करेगा। क्रिपिंग का मतलब होता है, मतलब आप अगर मेवाड़ी में बोलो या देसी भाषा में बोलो तो गडोलिया, ठीक है, गडोलिया चलता है ना बच्चा, तो चलता है बच्चा उसको बोलते हैं, मतलब अपने घुटनों पर और अपने दोनों हाथों पर वो चलता है उसको बोलते हैं क्रिपिंग। और वो कौन, हैंड एंड नी, मतलब वो चलेगा तो हाथों के और घुटनों के सहारे, मतलब घुटनों को घिसेगा, कुल मिला के ये है। नेक्स्ट है 11 मंथ का बच्चा, मतलब 11 महीने का बच्चा क्या करेगा, स्टैंड विद सपोर्ट, वो क्या करेगा सहारे के साथ में, तो वो क्या करेगा बैठना सीख जाएगा, मतलब खड़ा होना सीख जाएगा, स्टैंड, स्टैंड यानी खड़ा होना, किसी के सहारा लेके, चेयर का है, किसी भी फर्नीचर का है, सहारा लेकर वह क्या करेगा, खड़ा तो हो जाएगा। दूसरे बात है क्रशिंग करेगा, क्रशिंग का मतलब होता है कि हर एक चीज़ को मसलना शुरू कर देगा, कुछ भी दोगे आप उसको, रोटी दो चाहे कुछ भी दो, वो खाने के बजाय उसको चूर चूर के डाल देगा, मतलब चूरिया कर देगा, कहने का मतलब ये है सीधा का सीधा, मतलब उसका माइंड पूरा डापा चूक है, डापा चूक का मतलब समझ रहे हो, माइंड पूरा उसका क्या है उन चीज़ों में ही ज़्यादा रहेगा। आप कुछ भी दोगे, आप मान लो सिंपल कागज़ दिया आपने, तो उसको पूरा मरोड़ मरोड़ के क्रश कर देगा, क्रश का मतलब होता है मरोड़ना, ठीक है, उसको पूरा का पूरा मरोड़ना, तो बोलते नहीं बोलते क्रशिंग चेस्ट पेन, तो मरोड़ मरोड़ जैसा पेन हो रहा है, ठीक है, वो खतरनाक, तो उसी प्रकार से क्रशिंग हो रहा है, तो ये क्रशिंग करना सीख जाता है, क्रश करना सीख जाता है। और 12 महीने का बच्चा क्या करेगा, स्टैंड विदाउट सपोर्ट, वॉक बट फॉल, मतलब स्टैंड खड़ा हो जाएगा बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के, और वो क्या करेगा गिर भी जाएगा, खड़ा भी हो जाएगा गिरेगा, खड़ा होगा गिरेगा, जैसे ही वो चलने की कोशिश करेगा गिर जाएगा, अभी तक उसको ये नहीं पता कि मैं खड़ा होना ही सीखा हूँ, आगे चल नहीं पाऊँगा, लेकिन उसको कौन बताए। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें हैं ग्रॉस मोटर के अंदर, फाइन मोटर के अंदर, जो भी माइलस्टोन आ रहे हैं, लैंग्वेज बिहेवियर जो भी है, ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पैरामीटर ही मैंने यहाँ पर लिख के लेके आए हैं आपके सभी के सामने। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि हमारा कोर्स अधूरा यहाँ पे छोड़ा जाएगा, या अधूरा यहाँ पे हमको बीच में ही ड्रॉप कर दिया जाएगा, पूरा कोर्स होगा और पूरा कोर्स एंड तक होगा, ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम से पहले पहले हो जाएगा, ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एक नया सेशन भी शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसे ही वैकेंसी आउट होती है तो हम एक पिटारा लेके आएंगे 5000 क्वेश्चंस का, कितना 5000 क्वेश्चंस का आरआरबी के लिए, तो इम्पोर्टेंट है वो भी, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज अपन यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने की वहाँ पे कोशिश करेंगे, और ये थ्योरी क्लासेस भी चलती रहेगी, तो इस प्रकार से अपन वन बाय वन करके, तो इस साल हमने जो सब्जेक्ट लिए हैं वो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट अपन ने यहाँ पे मतलब लेके चल रहे हैं कि 3 सब्जेक्ट इस ईयर में कंप्लीट करने हैं। पीडियाट्रिक का ऑल ओवर यहाँ पे क्या है थ्योरी, जैसा कि पहले एमएसएन को मैंने 8 सिस्टम को कंप्लीट किया था पिछले साल, और उससे पहले पिछले साल यहाँ पे ओबीजी को कंप्लीट किया था, ठीक उसी प्रकार से रिमेनिंग जो एमएसएन के जो सिस्टम बचे हुए हैं उनमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम भी बचा हुआ है मेरे हाथ से, अभी तक मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है, तो वो भी सिस्टम मेरे को पूरा करना है, वो है जीआई वाला,
ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में, तो वहाँ से भी मैं यहाँ पर पूरा करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अपना पीडीए, ये पीडीए चल रहा है, पीडीए के जस्ट बाद में जो मेरा प्लान है वो सीएचएन के ऊपर है। सीएचएन का मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो सीएचओ एग्ज़ाम होने वाला है 25 के अंदर कमिंग। ठीक है, तो 25 में होगा, एनएचएम का भी होगा, दोनों ही एग्ज़ाम है, सर पे है, तो उससे पहले पहले आपकी सीएचएन पूरी कंप्लीट, पीडीए पूरी कंप्लीट, ओबीजी आपके ऑलरेडी है ही है, और मैक्सिमम आपके पूरा सिलेबस कवर है कुल मिला के आपके इन छोटे एग्ज़ामों के लिए। रही बात आपके जीके की इनकी, तो वो भी अपन कुछ कोशिश करके करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था और वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है आप सभी के सामने ग्रॉस मोटर माइलस्टोन के अंदर ही, 15 महीने का बच्चा क्या कर सकता है, तो 15 महीने का बच्चा जो है वो चल सकता है, 12 महीने का बच्चा खड़ा होगा, 5 महीने का बच्चा तो देखो सपोर्ट के सहारे बैठ जाएगा, 8 महीने का बच्चा बिना किसी सपोर्ट के बैठ जाएगा, और 11 महीने का बच्चा सहारे से खड़ा होगा, 12 महीने का बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो जाएगा, फिर चलेगा वैसे गिर जाएगा, लेकिन 15 महीने का बच्चा चलने भी लग जाएगा, 18 महीने का बच्चा रन यानी दौड़ने लग जाएगा, मतलब हुआ कि नहीं हुआ हेड टू टॉय, पहले हेड होल्डिंग आई फिर वो चलने भी लग गया, फिर 24 महीने पर अप स्टायर मतलब यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाएगा, और 36 महीने पर वापस सीढ़ियाँ उतरना सीख जाएगा। ये चीज़ याद रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ना कब सीखता है और उतरना कब सीखता है, तो चढ़ना तो पहले सीख जाएगा लेकिन उतरना पहले नहीं सीखेगा। चढ़ने में तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट चाहिए, वो चढ़ जाएगा, लेकिन उतरने में उसको डेवलपमेंट चाहिए माइंड का, और माइंड का डेवलपमेंट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ढले हुए सूरज को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। थोड़ा और जोर लगा, कोशिश कर, बर्फ़ को पानी में बदलने में भी वक्त लगता है, बर्फ़ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा और जोर लगा, हिम्मत कर, कोशिश कर, क्योंकि किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में भी थोड़ा वक्त लगता है। इसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मैं आपको आगे ले चलता हूँ कि डाउन स्टेयर और राइडिंग ट्राई साइकिल, मतलब 3 पहिए की साइकिल किसने नहीं चलाई, लगभग सभी ने चलाई होगी, अपनी खुद की नहीं तो किसी फ्रेंड की चलाई होगी, तो चलाई तो है कुल मिला के। ठीक है, तो वो भी आपके 36 महीने पर मतलब 3 साल पर आ जाती है ये भी चीज़। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। और 4 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चे के अंदर होप डेवलप हो जाती है, होप्स मतलब लंगड़ी टांग खेलना शुरू कर लेता है 4 साल का बच्चा, ये होप्स वो नहीं है, ये होप्स है लंगड़ी टांग, प्ले विद वन लेग, और 5 साल का बच्चा स्किपिंग करेगा मतलब छोड़ देगा, कुछ भी चीज़ आप दोगे हाथ में तो उसको छोड़ देगा, नीचे गिराना स्टार्ट कर देगा, मतलब आपने चाय का कप दिया तो उसको नीचे सब चीज़ गिराएगा, स्किपिंग करेगा वो कुल मिला के। ठीक है, तो ये चीज़ आती है 5 साल तक के बच्चे में। ये तो आपका हुआ ग्रॉस मोटर माइलस्टोन, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया, आई होप सभी को मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसका भी इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है फाइन मोटर, और फाइन मोटर की मैं अगर बात करूं तो फाइन मोटर में क्या होता है, सबसे पहले जो मैं बात करूं कि उसके अंदर 2, 4, 6, 8 और 9 और 12, ठीक है, यहां तक तो मैं बता देता हूं। इसमें आती है बाई डेक्स्ट्रस रीच, मतलब होता है कि 2 महीने का बच्चा दोनों हाथों से ऑब्जेक्ट को पकड़ना सीखेगा, 4 महीने का बच्चा यूनिडेक्स्ट्रस रीच मतलब एक हाथ से ऑब्जेक्ट को पकड़ना सीखेगा, 6 महीने का बच्चा के अंदर आती है अल्नार ग्रास्पिंग, ठीक है, रेडियल ग्रास्पिंग, अल्नार ग्रास्पिंग, यहाँ पे इमेच्योर पिंसर ग्रास्प, और यहाँ पे 12 महीने में मैच्योर पिंसर ग्रास्प आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 महीने का बच्चा जो है वो यहाँ पे सीखेगा बाई डेक्स्ट्रस रीच, दोनों हाथों से ऑब्जेक्ट तक पहुँचेगा, मतलब ये 2 से 4 मान सकते हो, ये 4 से 6 मान सकते हो। ठीक है, मैंने 2 बताए तो 2 से 4 भी हो सकता है, तो बाई डेक्स्ट्रस रीच, और 4 से 6 के अंदर यूनिडेक्स्ट्रस रीच आ जाएगी,
ठीक है, सातवें महीने पर बच्चा अल्नार ग्रास्पिंग पहले सीखेगा। अल्नार ग्रास्पिंग का मतलब कुछ भी आप ऑब्जेक्ट दोगे तो जिधर अल्नार जो नर्व होती है उधर से पहले पकड़ेगा, मतलब आपका थंब और इंडेक्स के बीच में पकड़ना तो बाद में सीखेगा, पहले वह उल्टा पकड़ेगा, उल्टा हाथ से पकड़ेगा, कुछ भी पेन दोगे तो उल्टा पकड़ेगा, कहने का मतलब ये है। और आठवें महीने के बच्चे के अंदर आ जाती है रेडियल ग्रास्पिंग। क्या आती है? रेडियल ग्रास्पिंग, ठीक है। नाइन मंथ का बच्चा जो है उसके अंदर पिंसर ग्रास्प इमेच्योर हो जाता है, और 12 महीने के बच्चे के अंदर पिंसर ग्रास्प जो है वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 15 महीने का बच्चा, और 15 महीने के बच्चे के अंदर क्या होगा कि कैन यूज कप, कप का यूज करेगा और टावर बनाएगा टू ब्लॉक का, दो ब्लॉक का टावर बनाना सीख जाएगा। 18 महीने का बच्चा क्या करेगा, कैन यूज स्पून और टावर ऑफ थ्री ब्लॉक, यानी चम्मच का यूज करके वो खाना सीख जाएगा और तीन ब्लॉक का टावर बना देगा। और 2 साल का बच्चा जो है टावर ऑफ सिक्स ब्लॉक, 3 साल का बच्चा है टावर ऑफ नाइन ब्लॉक एंड कैन मेक ए सर्कल यानी राउंड, ये इस प्रकार से बना देगा। 3 साल का बच्चा राउंड बनाना सीख जाएगा। 4 साल का बच्चा यहाँ पर ट्राइंगल बनाना सीखेगा, सॉरी 4 साल का बच्चा यहाँ पे रेक्टाएंगल बनाना सीखेगा, ठीक है, रेक्टाएंगल मतलब चतुर्भुज, ठीक है। और 5 साल का बच्चा यहाँ पे ट्राइंगल बनाना सीखेगा, ठीक है। और 6 साल का बच्चा डायमंड शेप बनाना सीख जाएगा, यह रेक्टाएंगल है, यह ट्राइंगल है, या डायमंड शेप है, ठीक है, इस प्रकार से बनाना सीख जाता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा ये माइलस्टोन भी। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका भी। ओके फाइन, नेक्स्ट है सोशल माइलस्टोन। अब सोशल में क्या होगा, समाज में बच्चा किस प्रकार से रिएक्ट करता है, किस प्रकार से क्या करता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक एक लिखोगे आप तभी समझ में आएगा, बिना लिखे, बिना बगैर लिखे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। एक बार में किसी को समझ में नहीं आता, 2 बार 3 बार आप लिखोगे इसको समझ में आ जाएगा। तो 2 महीने का बच्चा जो है, 2 महीने का बच्चा वो क्या करेगा, सोशल माइलस्टोन के अंदर सोशल स्माइल पेश करेगा, मतलब वो मुस्कुराना सीखेगा, सबसे पहले माँ से मुस्कुराएगा, ठीक है। और 3 महीने का बच्चा सबसे पहले मुस्कान कब देता है, 2 महीने का बच्चा मुस्कान दे देता है, हंसना सीख जाता है, कहने का मतलब ये है। 3 महीने का बच्चा रिकॉग्नाइज मदर, मतलब माँ को पहचानने लगेगा कि ये मेरी माँ है। 4 महीने का बच्चा लेस अलाउंड, ठीक है। 5 महीने का बच्चा मिररिंग करेगा, मिररिंग का मतलब हो, समझ रहे हो, देखो ये लेस अलाउंड का मतलब समझ रहे हो, लेस अलाउंड का मतलब क्या होता है, लेस अलाउंड का मतलब मेरे को पता है, समझ में नहीं आता है एकदम से किसी को, समझ नया वर्ड है तो नया वर्ड में थोड़ा टाइम लगता है। और लेस अलाउंड का मतलब होता है कि वह इस बात से तो अवेयर हो जाता है कि अभी दिन है, रात है, ठीक है, और क्या है, मतलब मैं खतरे में तो नहीं हूँ, ठीक है, मतलब उसको कुल मिला के खुद से मतलब ये पता चलने लग जाता है कि मैं कहाँ हूँ, आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये 4 महीने की एज में पता चलने लग जाता है बच्चे को। 5 महीने का बच्चा मिररिंग करता है, और मिररिंग का मतलब होता है सेल्फ एन्जॉय विद, खुद की इमेज के साथ में वो क्या करेगा, सेल्फ एन्जॉय करेगा, मतलब अपनी खुद की फ़ोटो जो है वो कांच में देखेगा और कांच में देख के खुश होगा, ठीक है, मतलब खुद की फ़ोटो देखने का, यहाँ पे कितने महीने पर देखेगा, तो 5, और 5 से याद रखना कांच, ठीक है, कांच में कब देखता है, 5 महीने का बच्चा। 6 महीने का बच्चा क्या करेगा, स्ट्रेंजर एंग्जाइटी आएगी,
मान लो उसके बुआ जी आए हैं, ठीक है, घर पे, और बुआ जी ने जैसे ही उसको अपने हाथों में लिया और वो रोना स्टार्ट कर देगा और इतना ज़ोर से रोएगा कि उसकी हद नहीं, और बुआ जी बोलेंगे उसको कि क्या मैं तेरे को खा रही हूँ क्या, सब जने तो ले रहे तेरे को, तू नहीं रो रहा मेरे से, तो अरे भाई उसको कौन समझाएगा बुआ जी को कि इसके अंदर स्ट्रेंजर एंग्जाइटी आ चुकी है कि घर का कोई भी लेगा तो वो नहीं रोएगा, लेकिन बाहर का कोई लेगा तो उसको ऐसा लगेगा बच्चे को कि ये जैसे मेरे को कोई कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है, ऐसा लगता है बच्चे को, ये स्ट्रेंजर एंग्जाइटी है, मतलब कोई भी नहीं ले सकता दूसरा बाहर का, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने सामने देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है माइलस्टोन 9 मंथ का वेव हेड से टू बाय बाय, मतलब टू से बाय बाय, मतलब ये बाय बाय करना सीख जाता है। 9 महीने का बच्चा क्या करेगा, बाय बाय करना सीख जाता है सभी को। अब कोई भी आया, ठीक है, वो तो वापस जा रहा है तो उसको पता चल जाता है कि जा रहा है तो बाय बाय करेगा वो, ठीक है। और 12 महीने का बच्चा क्या करेगा, 12 महीने का बच्चा जो है वो वेव हेड से टू नो, मतलब नो, कुछ भी पूछेंगे कि खाना खाया, जो नहीं खाया, फिर आप पूछोगे कि खाना खाना है, नहीं खाना है, फिर आप कुछ भी पूछोगे उसको तो वो नहीं में जवाब देगा, ठीक है, कि मेरे साथ चल रहा है जो नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, वो कुछ भी नहीं, ना में जवाब देना कब सीख जाता है, तो 12 महीने, 1 साल का बच्चा ना में जवाब देता है। 18 महीने का बच्चा जो होगा वो उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, टॉयलेट की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, टॉयलेट कंट्रोल नहीं आएगा, टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट होगी इस 18 महीने पर। लेकिन यहाँ पे देखना एक मज़े की बात ये है कि 18 महीने पर अपन ने बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन 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 2 साल पर आएगी उसका बोवेल कंट्रोल। बोवेल का मतलब समझ रहे हो, स्टूल का कंट्रोल जो है वो 2 साल की एज में आएगा, और ड्राई बाय डे मतलब यूरिन का कंट्रोल, दिन के अंदर यूरिन का कंट्रोल भी 2 साल में आ जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, कभी कभार नहीं आता है तो वो 3 साल तक तो आ ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि बोवेल जो कंट्रोल है वो सबसे पहले आएगा, पर ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई बटन फिट कर रखा है बच्चे के कि मतलब आज 2 साल हो गए, ठीक है, आज दूसरा बर्थडे उसका मना लिया अपन ने, ठीक है, और आज ही अपना बोवेल का कंट्रोल आ गया, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बटन दबाया बस आज से वो नहीं करेगा, उसका क्लॉथ में नहीं करेगा, ठीक है, वो बाहर ही करेगा, लेटरिंग में जाके ही करेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो टॉयलेट में जाकर ही वो करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसका दिमाग से मजबूत होना। एक दिन तो क्या करता है, बच्चा आता है और बोवेल को कंट्रोल कर लेता है, दूसरे दिन क्या करेगा कि वो वापस वही, एक दिन में आता नहीं कंट्रोल, वापस ऐसे ही कर लेता है, ठीक है। और एक दिन क्या करता है बच्चा, आराम से रोज तो पेंट में ही करता है, लेकिन एक दिन क्या करता है वहाँ पे जाके और फिर करता है टॉयलेट में, और फिर अपने हाथ में लेके आता है और मम्मी को दिखाता है कि ये मैंने किया है, ये किसने किया, मैंने किया मैंने, ठीक है, इतना प्राउड फील करके बताता है कि ये स्टूल मेरा है, ये मैंने किया, पास करके बताया, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसका कंट्रोल आ जाता है पूरा, ठीक है, लेकिन एकदम से पूरा कंट्रोल नहीं आता है, धीरे 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 ये कंट्रोल कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है, इस प्रकार से ये कंट्रोल 2 साल के अंदर मतलब शुरू होता है, ठीक है। और 3 साल में क्या होता है, ब्लैडर कंट्रोल आता है, 3 साल में क्या आता है, ब्लैडर कंट्रोल आता है, ड्राई बाई नाइट, और नाइट में भी वो क्या हो जाता है, ड्राई रहेगा, मतलब 3 साल की एज के बाद में वह यहाँ पे बिस्तर गिला नहीं करता है, बेड वेटिंग नहीं करता है। लेकिन 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 क्वेश्चन बनता है कि अगर 5 साल का बच्चा है आपका, और वो 5 साल का बच्चा भी आपका बेड वेट कर रहा है, मतलब बेड को गिला कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, उसको अपन बोलेंगे एन्यूरेसिस। क्या बोलेंगे, एन्यूरेसिस। आगे आएगी डिजीज पोर्शन में मैं आपको एन्यूरेसिस अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। एन्यूरेसिस के लिए एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है इमिप्रामाइन। क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में अपन यूज करते हैं इमिप्रामाइन। और दूसरी बात होती है कि बोवेल कंट्रोल अगर 5 साल की एज तक भी नहीं आता है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोल सकते हैं, तो इस कंडीशन को एक ही वर्ड अपन नाम देंगे और उसका नाम है एनकोप्रेसिस। क्या बोलेंगे अपन इसको, क्या दोस्तों, एनकोप्रेसिस, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाता है, एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़े आगे, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आ सकता है ये भी एग्जाम में। तो 40 मिनट की क्लास हो चुकी है और मैं देख रहा हूँ अभी तक एक भी लाइक नहीं आया है, तो जल्दी से जल्दी एक लाइक और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें,
शेयर करना आपकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जितना आप शेयर करोगे उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस यहाँ पे बनाई जाएगी और आपके सामने पेश कर दी जाएगी। नेक्स्ट है लैंग्वेज माइलस्टोन। लैंग्वेज माइलस्टोन की मैं अगर बात करूँ तो लैंग्वेज में ऐसा होता है, लैंग्वेज शो करेगा बच्चा, क्या करेगा, लैंग्वेज शो करेगा कि 3 महीने का जो बच्चा है, 3 महीने का बच्चा वो कूज साउंड प्रोड्यूस करेगा। कौन से साउंड प्रोड्यूस करेगा? कूज साउंड। कूज साउंड का मतलब होता है वोवेल साउंड। वोवेल का मतलब होता है ए ई आई ओ यू, आपने पढ़ा होगा ना, स्वर और व्यंजन, ठीक है। उस स्वर को बोलते हैं अपन वोवेल, और उस वोवेल का नाम ही है ए ई आई ओ यू। तो बच्चा ऐसा ही बोलेगा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ऐसा ही बोलता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं बोलता है। 3 महीने का बच्चा ए ई आई ओ यू इस बोलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोल सकता है। वो व्यंजन बोल ही नहीं सकता, उसके व्यंजन का माइलस्टोन है ही नहीं। अगर आप उसको बोलोगे कि बोल मैं तेरा दुश्मन हूँ, तो वो नहीं बोल पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि उसके व्यंजन का तो कोई मतलब, वो उसका है बटन ही नहीं है व्यंजन का, अभी तक बटन आया ही नहीं है, कैसे दबाओगे आप, ठीक है। कहने का मतलब ये है, और इसको अपन बोलते हैं म्यूजिकल साउंड, वो भी वोवेल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? 6 महीने का बच्चा जस्ट डबल, 3 महीने का जस्ट डबल मोनोसिलेबस वर्ड बोलेगा। मोनोसिलेबस का मतलब समझते हो, व्यंजन तो बोलेगा पर एक एक वर्ड बोलेगा। मा दा पा गा मा या टू, ऐसे एक एक वर्ड बोलेगा, तो मा पाटा, ठीक है। 9 महीने का बच्चा फिर 3 महीने और निकलेंगे, फिर वह क्या करेगा, बाई सिलेबस। मोनो का मतलब सिंगल होता है, बाई सिलेबस का मतलब दो दो वर्ड एक साथ बोलना सीख जाएगा, जैसे कि मामा दादा पापा टाटा, ऐसे। तो मामा दादा पापा टाटा, ये 9 महीने का बच्चा बोलना सीख जाता है। नेक्स्ट है 12 महीने का बच्चा। 12 महीने का बच्चा क्या करेगा, 1 से 2 वर्ड बोलेगा, और वो भी मीनिंग के साथ में, ठीक है। मतलब मम्मी गई पापा आए, ठीक है, मम्मी गई पापा आए, तो मम्मी गई तो 1 से 2 वर्ड हो गए, मम्मी गई पापा आए, पापा आए का मतलब 2 वर्ड हो गए, इसका मीनिंग भी है, मतलब पापा आ गए मम्मी चली गई, कहने का मतलब ये है। ये वर्ड बोलेगा वो 12 महीने की एज में, तो 12 महीने का बच्चा ये कर सकता है। फिर आता है 15 महीने का बच्चा। 15 महीने का बच्चा जो होता है वो जर्गुन। जर्गुन का मतलब होता है, अब अपन उसको कुछ पूछेंगे कि खाना खाया, फिर बोलेंगे कुछ किया, अब वो क्या बोल रहा है अपन को कुछ पता नहीं चल रहा है। खाना खाया मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा है, वो जर्गुन वर्ड बोलेगा, मतलब मिक्सिंग वर्ड बोलेगा, और ऐसा मिक्सिंग वो जानबूझकर भी बोलता है कई बार, ठीक है। ये 15 वर्ड का यहाँ पे 15 महीने का माइलस्टोन है। और 18 महीने का बच्चा जो होता है वो 8 से 10 वर्ड विद मीनिंग बोलेगा, 8 से 10 वर्ड विद मीनिंग, मीनिंग के साथ में। और देखो ऐसा आप जाकर ट्राई मत कर लेना घर पे, और ट्राई करना हो तो भी करना, लेकिन जिसका जिस बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है ना, उसी के ऊपर जाकर ट्राई करना। ऐसा नहीं है फिर आप मेरे को बोलो कि आई ही नहीं है माइलस्टोन, ये तो आपने तो बोला आएगा, आई ही नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों में 2 साल तक भी माइलस्टोन नहीं आता है। ये 12 महीने का माइलस्टोन 1 से 2 वर्ड बोल रहा है ना, ये 12 महीने तक, ये 24 महीने तक भी नहीं बोलता है बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो रखा है। जिसका डेवलप, जो नॉर्मल क्राइटेरिया जो पीडियाट्रिशियन ने दिया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ जो ऑथेंटिक है और जो आपके एग्जाम में मान्य होगा, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं बता सकता है, ठीक है। तो जर्गुन वर्ड जो बोलेगा, जर्गुन वर्ड, वो 15 महीने में 8 से 10 वर्ड विद मीनिंग, मीनिंग के साथ में। वो 18 महीने का बच्चा जो होगा वो 8 से लेकर 10 वर्ड वो भी मीनिंग के साथ में बोल पाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 24 महीने का बच्चा क्या करेगा, एक सिंपल सेंटेंस बोलेगा। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि मैं स्कूल जा रहा था लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि मेरे को पोटी आ गई, मतलब ये जो है पूरा सिंपल सेंटेंस और अच्छे से सेंटेंस वो बोल पाया, ठीक है। पापा ने खाना खाया कि नहीं खाया मुझे नहीं पता, ये 24 महीने का बच्चा, मतलब 2 साल का बच्चा ये सारे वर्ड बोल पाता है अगर उसका माइलस्टोन नॉर्मल है तो, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप तो ले सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप, ऐसी मैं आशा करता हूँ।
ओके फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट ये यहीं तक था लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट इतना ही है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बोल रहा है फिर तो वो सीखता जाएगा आगे, ठीक है। इसका उतना वो कुछ है नहीं है, ठीक है। तो इसकी ये इजी है, याद कर लेना। प्ले डेवलपमेंट, अब प्ले कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से डेवलपमेंट कौन कौन से प्ले के अंदर और क्या होता है इसका मतलब, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वन बाई वन करके अपन पढ़ते हैं। 0 से 6 महीने के बच्चे के अंदर सोलिटरी प्ले होता है। सोलिटरी प्ले का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो। सोलिटरी प्ले का मतलब सिंपल सा मेन होता है कि वो पालना जो होता है, पालना उसके अंदर जो झूलेगा वो, तो वो क्या देखेगा? एक ही चीज़ को देखेगा, ठीक है। और वो एक ही चीज़ के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेगा और उसी के साथ में खेलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके साथ खेल रहा है तो ऐसा नहीं अदर के साथ में भी खेलने लग जाएगा, नहीं। वो अगर वो घुंघरू दे दिया उसको, जो बाजा बजाने का दे दिया, छोटा सा घुंघरू जो टाइप का होता है, बस वो उसी के साथ में खेलेगा और मस्त रहेगा, ठीक है। उसको और दुनियादारी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है दुनियादारी का। कौन सा उसको CHO का एग्ज़ाम पार करना है यार, बताओ ना। अब उसका कोई माइंड के ऊपर कोई प्रेशर है क्या? वो आराम से सो रहा है, सोते सोते खेल रहा है और अपने चाची अपने बुआ जी जो भी होते हैं उसको जाके गुल्लू गुल्लू करके उसके गाल पकड़ लेते हैं और फिर गाल लाल हो जाते हैं उसके, फिर वो परेशान होता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है 6 महीने से 12 महीने का बच्चा जो होता है वो ऑन लुकर प्ले खेलेगा। मतलब बोथ आर सोशल अफेक्टिव प्ले। ये दोनों ही क्या है? सोशल अफेक्टिव है, ठीक है। सोशल उसका अफेक्ट होगा, मतलब वो बिल्कुल मतलब अपने आप से खेलेगा, वो कुल मिलाकर अकेला ही खेलेगा। यहाँ तक तो अकेला ही खेलेगा वो, मतलब किसी के साथ में नहीं खेलेगा। ओन लुकर प्लेयर इसको बोलते हैं। फिर आता है 1 से 3 साल का बच्चा पैरेलल प्ले, जो अपन बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं टोडलर एज में। टोडलर एज का प्ले पूछा जाता है आपको पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले में क्या होता है कि इसके अंदर ऐसा होता है कि दो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। दो बच्चे साथ में ही खेल रहे हैं, एक जगह पे ही खेल रहे हैं, लेकिन दोनों बच्चे अपने अपने खिलौने से खेल रहे हैं। दोनों बच्चे ना तो एक दूसरे का खिलौना देंगे ना लेंगे, और दोनों ही अपने धुन में मस्त है, ठीक है। वो इस प्रकार से खेलते हैं 1 से 3 साल तक के बच्चे। मतलब उनको अपने से ही मतलब है, दूसरों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने खिलौने से ही खेलेंगे, न अपना खिलौना किसी को देंगे, उल्टा दूसरे का लेने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं पैरेलल प्ले। और देखा होगा आपने खुद ने ही बच्चों के साथ में, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप खुद इस चीज़ को नोटिस करना, ठीक है। नेक्स्ट 3 से 6 साल का बच्चा एसोसिएटिव प्ले या कोऑपरेटिव प्ले। एसोसिएशन या कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेट करना, मतलब मिलजुल के खेलेंगे। 3 से 6 साल के बच्चे मिलजुल के खेलेंगे, पूरा दिन खेलते रहेंगे, पूरा दिन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इधर से उधर उधर से उधर जाएंगे, फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे, कुछ प्लानिंगें बनाएंगे, पर उसका कोई मेन नहीं है। कहने का मतलब समझ रहे, कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंगलेस प्लानिंग बनाएंगे, मीनिंगलेस खेलेंगे, वो कुछ भी करेंगे, जो भी काम करेंगे वो सब मीनिंगलेस है। उसका कोई मतलब नहीं है, ना उनको कुछ फ़ायदा उससे, ना हमको कुछ फ़ायदा। और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पूरी दिनचर्या उनकी इसी में चली जाएगी, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है। बस खेलना है उनको और यही करना है, अपने दोस्तों के साथ में रहना है। मतलब कोऑपरेट करके खेलेंगे, एसोसिएट करके खेलेंगे, एक दूसरे के साथ में खेलेंगे, ठीक है। ये 3 साल से 6 साल के बच्चे में डेवलपमेंट हो जाता है। तो 3 से 6 साल का बच्चा क्या, अगर अपन जज करेंगे तो इस प्रकार से ही खेलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 से 12 साल का बच्चा जो होता है कॉम्पिटिटिव प्ले खेलेगा। कॉम्पिटिटिव प्ले का मतलब समझ रहे हो, कॉम्पिटिशन होगा उनके अंदर, ठीक है। अब 3 से 6 साल का बच्चा जो खेल रहा था ना, उसके अंदर कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। अगर मान लो दोनों जो बच्चे हैं, मान लो क्यूब्स का टावर भी बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, तो एक कहेगा मैं जल्दी बनाऊंगा, दूसरा कहेगा मैं जल्दी बनाऊंगा। लेकिन 3 से 6 साल के बच्चे में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन जल्दी बनाएगा, बनाना इंपॉर्टेंट है कि बनाना इंपॉर्टेंट है कि बना रहे हैं दोनों, बस ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन जैसे ही 6 साल के बाद का बच्चा होगा, 6 से 12 साल का बच्चा, तो दोनों में एक होड़ मच जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा कि कौन पहले बनाएगा और कौन कितना बड़ा बनाएगा। ये कंपटीशन, इसको बोलते हैं अपन कॉम्पिटिटिव प्ले विद रूल्स। और रूल्स होगा उसके अंदर कि इतने मिनट में ही बनाना है, इतने टाइम में ही बनाना है, और यहीं पे बनाना है, ये करना वो करना, सर रूल फॉलो होंगे, ठीक है। तो सारे आप ना खेले होंगे लंगड़ी टांग, उसमें कितने सारे रूल थे। 6 से 12 साल की एज में ही ऑलमोस्ट खेलते हैं सभी बच्चे, ठीक है। सब ने खेला होगा लंगड़ी टांग, जो भी है आपके छोटे मोटे जो खेलते, कबड्डी हुआ, जो भी है, ठीक है, तो वो खेल खेले ही होंगे आपने। नेक्स्ट
13 से 19 साल के अंदर क्या होता है, गेम एथलेटिक्स एंड स्ट्रिक्ट रूल आ जाते हैं। गेम खेलेंगे वो, गेम का मतलब बड़े बड़े गेम, क्रिकेट हुआ ठीक है, उसके अंदर एथलेटिक्स होता है ठीक है, एक मतलब अलग ही लेवल होता है उनका, एक स्ट्रिक्ट रूल के अंदर वो खेलते हैं। ऐसा नहीं खेल में आज चलो, तो उसमें क्या होता है कि मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब ऐसे गुस्सा भी हो जाते हैं बहुत सारी बार में, तो वो ऐसा खेल खेलते हैं ठीक है। इसको तो हराना ही हराना है, कल मेरे को इसने हराया, आज मैं तो हरा के ही दिखाऊंगा। तो मतलब वो एक नेगेटिविटी भी मतलब डेवलप हो जाती है इस प्ले के अंदर 13 से 19 में। और बच्चा जो कि 13 से 19 का होता है एडोलेसेंट बोलते हैं, इमेच्योर भी होता है, स्कूल एज होती है उनकी, तो थोड़ा मतलब ये सही होता है वो ठीक है, तो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट तो ये है सारे के सारे प्ले, ये आ सकते हैं आपके एक भी। और एक इम्पोर्टेंट है, एम्स में बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि पैरेलल जो प्ले है वो टॉडलर के अंदर आता है, थेरापूटिक प्ले भी बोलते हैं इसको। और एक ये एडोलेसेंट का जरूर बार बार पूछते हैं कि स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होता है ठीक है, लेकिन दो को जरूर याद करना है आपको स्पेशल अटेंशन देकर ठीक है। तो क्लास बिल्कुल समाप्ति की ओर है, तो आपको जल्दी से एक लाइक करना है और आपका डेवलपमेंट आज फिनिश हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट है मोर मोर्टिलिटी डेवलपमेंट। मोर्टिलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर हम अपन बात करें तो 0 से 6 साल का बच्चा जो होगा वो पनिशमेंट के साथ में उसके अंदर मोर्टिलिटी आएगी, सॉरी मोरलिटी है ये, मोर्टिलिटी मत करना इसको, मोरलिटी वो कर देना, ये मोरलिटी है और ये मोरलिटी ही रहेगी ठीक है, टी को हटा देना, मोरलिटी है ठीक है। 0 से 6 साल के बच्चे को पनिशमेंट करके अपन उसके अंदर डेवलपमेंट ला सकते हैं। 6 से 11 साल का बच्चा होगा तो वो गुड और बैड, वो अच्छा काम करेगा तो अपन बोलेंगे गुड, अच्छा किया है, और बैड किया है तो बैड, तो उससे वो अपना डेवलपमेंट अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट है 11 से ज़्यादा की उम्र है तो वो कानून से डरेगा, कानून बना रहे समाज में ठीक है, तो गाड़ी तेज नहीं चलाना कुछ भी है तो कानून है, तो वो ट्रैफिक रूल्स है फॉलो करेगा ठीक है, इस प्रकार से ठीक है। तो वो 11 साल से बड़ा बच्चा होता है, तो ये भी अगर आप लिखना चाहें तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वैसे आता नहीं है एग्ज़ाम में, एक आध बार पूछा गया एग्ज़ाम में क्वेश्चन है। नेक्स्ट डेवलपमेंटल थ्योरी ठीक है, और डेवलपमेंटल थ्योरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए भी और मेरे लिए भी, कहने का मतलब यह है क्योंकि ये थ्योरी इतनी मतलब इम्पोर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ इसको मैं आपको आराम से पढ़ाऊँ कल की क्लास में, और कल की क्लास में इसको अपन इसको पढ़ने की पूरी कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं ठीक है। तो कल की क्लास आपकी ये थ्योरी में ही जाएगी ठीक है, और ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ ले, इम्पोर्टेंट है, आ सकती है एग्ज़ाम में डेवलपमेंटल थ्योरी ठीक है। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, हाँ वही है इरिक्सन और सिगमंड फ्रूड वाली, तो अपन बात करेंगे इस थ्योरी की कल वाली क्लास में। तो कैसे लगी आपको ये क्लास छोटी सी, अगर अच्छी लगी हो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत जय मेवाड़।